नमस्कार, वेलकम टू द क्लासेस ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे। आज के वीडियो में हम नाविक यानी कि IRNSS के बारे में चर्चा करेंगे। IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसका कि नया नाम है नाविक। नाविक मतलब नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, या इसका हिंदी में मतलब होता है कि भारतीय आकाश के संग पथ प्रदर्शन। नाविक पूरी तरह से भारत में विकसित एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जो कि पृथ्वी पर उपस्थित रिसीवर की लोकेशन बताता है। यह रिसीवर हमारे मोबाइल में भी लगाया जा सकता है। नाविक से पहले भारत इस सेवा के लिए पूरी तरह से अमेरिका के GPS पर निर्भर था, लेकिन 1999 में हुए कारगिल युद्ध ने इस कहानी की पूरी तरह से दिशा ही बदल दी। उस समय कारगिल क्षेत्र का GPS डाटा की आवश्यकता पड़ी, जो कि उसने अमेरिका से मांगा, लेकिन उस समय अमेरिका ने उसे नहीं दिया। बस यहीं से अपने नेविगेशन सिस्टम की आवश्यकता महसूस की गई और भारत ने नाविक सिस्टम डेवलप करने का संकल्प ले लिया। पूरे 11 वर्ष तक इस मिशन पर कार्य करने के बाद सन 2010 में भारत ने अधिकृत रूप से घोषणा की कि वह अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम स्थापित करने जा रहा है, और इस नाविक मिशन के लिए हर 6 माह में एक उपग्रह आकाश में स्थापित करने की घोषणा भी की। आखिरकार 1 जुलाई 2013 को वह दिन आ ही गया जिस दिन IRNSS-1A नाम का नेविगेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया, और अंतिम उपग्रह IRNSS-1G 28 अप्रैल 2016 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। इन उपग्रह को छोड़ने के लिए PSLV श्रेणी के रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया। चलिए देखते हैं हमारा नाविक क्या क्या कर सकता है और कैसे कैसे कर सकता है। नाविक सिस्टम भारत और उसके आसपास के लगभग 1500 किलोमीटर क्षेत्र में जल, थल एवं वायु में नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड कर सकता है। नाविक सिस्टम की मदद से हम आपदा प्रबंधन का कार्य भी कर सकते हैं, और नाविक सिस्टम की मदद से हम यातायात के साधनों का ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, और इसी नाविक की मदद से हम प्रत्येक मोबाइल यूजर के मोबाइल को भी ट्रैक कर सकते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं नाविक की बनावट के बारे में, यानी आर्किटेक्चर ऑफ नाविक। नाविक के 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है हमारा स्पेस सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट है हमारा ग्राउंड सेगमेंट, और तीसरा सेगमेंट है हमारा यूजर सेगमेंट। पहला जो सेगमेंट है हमारा, जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है, वो है स्पेस सेगमेंट। स्पेस सेगमेंट में 9 सैटेलाइट, और इन 9 सैटेलाइट में से 7 सैटेलाइट अंतरिक्ष में वर्किंग कंडीशन में रहेंगे और 2 सैटेलाइट ग्राउंड में स्पेयर में रखे रहेंगे। जब भी कोई सैटेलाइट खराब होगा या किसी कारण से कार्य करना बंद कर देगा, उस समय बाकी 2 स्पेयर सैटेलाइट में से कोई भी एक सैटेलाइट उसकी जगह ले लेगा। ये प्रत्येक सैटेलाइट की जीवन काल लगभग 10 वर्ष है। इन 7 सैटेलाइट जो कि अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित है, इसमें से 3 सैटेलाइट इक्वेटर के पास पृथ्वी की जियो स्टेशनरी कक्षा में यानी कि भू स्थिर कक्षा में स्थापित किए गए हैं, तथा 4 सैटेलाइट 55 डिग्री ईस्ट और 111.75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स पर स्थापित किए गए हैं पृथ्वी की जियोसिंक्रोनस कक्षा में। इन सैटेलाइट्स की पृथ्वी से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर स्थित है। इनका नामकरण IRNSS-1A से लेकर IRNSS-1G तक किया गया है। दूसरा सेगमेंट है हमारा ग्राउंड सेगमेंट। ग्राउंड सेगमेंट में पूरे भारत में स्थित हमारे 21 रेंजिंग स्टेशंस इन सैटेलाइट पर नजर रखे हुए हैं। इन सैटेलाइट्स के से डाटा पूरा ये कलेक्ट करते हैं, और सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद बेंगलोर स्थित इसरो नेविगेशन सेंटर यानी INC पर ये सारा डाटा भेज देते हैं, और INC इन डाटा को कलेक्ट करके फिर उसको करेक्ट करता है। करेक्ट करने के बाद वो सारे करेक्शंस भोपाल और हासन स्थित सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर्स पर भेज देता है, और भोपाल और आसन स्थित SEC ये डाटा वापस सैटेलाइट्स को भेज देते हैं, जिससे कि सैटेलाइट्स अपना डाटा करेक्ट कर लेता है। तीसरा है हमारा यूजर सेगमेंट। यूजर सेगमेंट में IRNSS रिसीवर आता है और सब प्रकार के यूजर आते हैं, जिसमें कि हमारा आम जनता, मिलिट्री, यातायात वाले, शिपिंग, एयरलाइंस कंपनी, ये सारे के सारे इसमें यूजर्स हैं, जो कि अपने पास एक
IRNSS रिसीवर रख के सैटेलाइट से डाटा इकट्ठा करके अपनी लोकेशंस ज्ञात कर सकते हैं। आपको आशा है यह नवीनतम जानकारी IRNSS यानी नाविक के बारे में अच्छी लगी होगी। फिर भी आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठता हो या कोई शंका उठती हो तो आप निसंकोच मेरे से संपर्क कर सकते हैं।